हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है निशिता आर्ट्स एंड ब्लॉग चैनल में। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गुड़ वाले चावल की रेसिपी। तो ये बादाम, नारियल, सौंफ एंड किशमिश है, ये कद्दूकस किया हुआ गुड़, घी, दो कटोरी चावल, 3 गिलास पानी। तो मैंने कुकर पहले ही रख दिया था, कुकर गर्म हुआ तो घी डाल दिया उसमें। घी को गर्म होने देंगे अच्छे से। घी पिघल गया अब हमारा। अब इसमें ऐड करेंगे किशमिश, बादाम, जो भी हमने लिया था वो सब ऐड कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। जब तक किशमिश फूल नहीं जाती ना, उसको अच्छे से, देखो किशमिश फूल गई है, अच्छे से उसको चलाएंगे। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। चलाना है इसको यहाँ पर भी, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको ऐसे छोड़ देंगे, कम गैस कर देंगे। जो हमने गुड़ कद्दूकस किया था ना, उसको पानी में ले डालेंगे डायरेक्टली ना, उसमें चावल में नहीं डालना, तो वो फिर मिक्स नहीं होता, तो कहीं मीठा कहीं फीका रह जाता। तो ऐसे करके डालेंगे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है चावल में। जब गुड़ पानी में घोला तो उसको चावल में डाल देंगे, फिर अच्छे से चलाएंगे। बाद में फिर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। इसमें सीटी नहीं आने देनी है, क्योंकि बासमती राइस है तो जल्दी गल जाता है। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसे देखिए कि अभी ना पानी है इसमें, बट इसमें पानी नहीं है, इसमें कुकर में सीटी नहीं आने दी थी तो उसको पहले ही खोल दिया है। अगर पूरी सीटी लगाएंगे, देखिए हमारे चावल कितने अच्छे और टेस्टी बने। आ जाइए, आप भी खा लीजिए, और प्लीज़ कमेंट में बताइए सब लोग कैसे बने हैं, और आप लोग भी ट्राई कीजिए।